नमस्कार, मॉम द शेफ में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश भोकर की सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आपने भोकर का अचार तो कई बार बनाया होगा, इसको कई नाम से जाना जाता है। आज मैं इसकी सब्जी एक खास मसाले के साथ और स्टफिंग का एक नया तरीका मैं बताने वाली हूँ, जो काफी आपको पसंद आने वाला है। तो इस ट्रिक को आप जरूर आजमाना, आपको काफी पसंद आएगा। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम भोकर है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से सुखा लिया है। अब हाथों में तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा नमक भी लगा लेंगे। भोकर काफी चिपचिपे होते हैं, इससे क्या होगा कि आपके हाथों में चिपकेंगे नहीं। अब आसानी से इसको कट लगा करके इसकी गुठलियां निकाल देंगे। बिल्कुल केयरफुली हमें इसकी गुठली निकालना है, क्योंकि हमको इस भोकरों को स्टफ करना है। इसको कट बिल्कुल जरा सा ही लगाना है, वैसे तो इसकी केप हटाने के बाद में ये तुरंत इसकी गुठली भी निकल जाएगी। तो देखिए, ये मैंने सारे भोकर की गुठलियों को निकाल दिया है। अब हम इसकी स्टफिंग का मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ मूंगफली के दाने को रोस्ट कर लिया है और आधी कटोरी मैंने तिल्ली को भी रोस्ट कर लिया है और आधी कटोरी मैंने नारियल का जो बुरादा होता है उसको भी सेक लिया है। अब इन तीनों को सेकने के बाद में थोड़ी सी लहसुन डाल देंगे और इसको दरदरा सा पीसना है, हमें फाइन पाउडर नहीं पीसना। अब एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर और एक चुटकी हींग ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और बाइंडिंग के लिए यहाँ पर तीन चम्मच तेल ऐड कर देंगे। और अब मसाले का टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं एक चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, ये स्टफिंग कितनी कलरफुल और टेस्टी लग रही है। अब हम इन भोकरों को इसमें स्टफ कर देंगे। बिल्कुल भोकर को अच्छे ज़्यादा मसाला भरना है, ताकि ये जब खाओगे ना तो इतने टेस्टी लगते हैं कि आपको राजस्थान और महाराष्ट्र का टेस्ट याद दिलाएगी। तो इस तरह मैंने सारे भोकर स्टफ कर दिए हैं। तो चलिए, अब ये मसाला जो बचा हुआ है हम उसको बाद में यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मैं आपको ये नया तरीका बताने वाली हूँ। जैसे अब कई बार कई लोगों की शिकायत होती है कि हम कुछ भी चीज़ स्टफ बनाते हैं ना तो मसाला सब क्यूरी में आ जाता है। तो आप ऐसे स्टीमर में रख करके उसे स्टीम कर ले थोड़ी देर, तो आपका मसाला कभी भी क्यूरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट स्टफिंग होगी। तो पैन में यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, उसमें राई जीरा चटकने के बाद में आधी चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। और मैंने एक टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके इसको पका लेंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको ढक करके पकने के लिए रख देंगे। जब ये पक जाएगी तो ये जो बचा हुआ मसाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको थोड़ी सी गाढ़ी होने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये अच्छी सी गाढ़ी हो गई है, बस हमें सब्जी के लिए ऐसी ही चाहिए। तो चलो अब स्टीमर में देख लेते हैं कि ये भूकर अच्छे से पक गए हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, इसको पकने में आधा मिनट से भी कम समय लगा है। तो अब इन सारे भोकरों को इसमें डाल देंगे और हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी स्टफ भोकर करी तैयार हो गई है। अब इसे गर्मा गर्म चपाती या राइस के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। ये यूनिक डिश आपके फैमिली और फ्रेंड को डेफिनेटली इम्प्रेस करेगी।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद।